तो भाई अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है कि आप भी एक जनरल स्टोर की दुकान शुरू करने वाले हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र 30,000 रुपए में एक अच्छी सी जनरल स्टोर की दुकान शुरू कर सकते हो। तो वीडियो में अगर मैंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जनरल स्टोर की दुकान आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। अगर आपकी कोई खुद की दुकान है तो आप वो उससे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको दुकान के लिए फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, काउंटर बनवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपका 30,000 से 40,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो इसीलिए आप इसे मात्र 30,000 रुपए में अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। तो जनरल स्टोर की दुकान में बिकने वाले सामानों की लिस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है एक बोरी चीनी, एक गत्ता पैम्पर्स, एक एक गत्ता सभी प्रकार के बिस्किट, एक गत्ता मैगी, एक बोरी मैक्रोनी, एक गत्ता कपड़ा धोने वाला साबुन, 5 डब्बा अगरबत्ती, 1 पैकेट बेबी क्विक, 1 गत्ता कड़वा तेल, 1 गत्ता रिफाइंड तेल, ठीक है, 5 डब्बा धूप बत्ती, 6 डब्बा चॉकलेट जो कि पर्क और स्नैकर्स होते हैं, 1 गत्ता नहाने वाला साबुन सभी प्रकार के, 1 पैकेट फेनल लवली, 5 पैकेट पान मसाला जो भी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता हो, 2 बंडल बीडी जो भी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता हो, 3 गत्ता माचिस, 5 डब्बा मोर्टीन, 5 गत्ता नमकीन सभी प्रकार के जो भी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता हो, 5 डब्बा टॉफी, 5 पैकेट हल्दी मिर्चा धनिया, 5 रुपैली 10 रुपैली, 5 पैकेट चाय पत्ती, 2 गत्ते चिप्स, 2 गत्ते कुरकुरे, 1 गत्ता कोलगेट 10 रुपैला 1 रुपैला, 3 डब्बा विक्स खाने वाली और एक दवाई जो होती है, 2 डब्बा इनो, 1 पैकेट हजमोला, ठीक है, 1 पैकेट जलजीरा, 5 डब्बा ब्लेड और बाकी आप स्टेशनरी का सामान भी रख सकते हो। इन सभी सामानों के साथ आप एक जनरल स्टोर की दुकान शुरू कर सकते हो। तो नए बिजनेस आइडियाज और किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो।